प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के दोहावली चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। देख सकते हो मैंने व्याख्या को पूरी अपने नोट्स में लिख लिया है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य भी मैंने लिखा है, तो आपका एक एक डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक दोहे के व्याख्या को आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला दोहा देखिए क्या दिया गया है। हरो चरहिता पही बरत फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। अर्थ को समझना, ठीक है ना। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, ठीक है ना। स्वार्थी का मतलब मतलबी हैं। कहते हैं क्योंकि जब वृक्ष हरा होता है, हरो मतलब हरा होता है, वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि जब वृक्ष हरा होता है तब आदमी क्या करते हैं, अपने पशुओं से उसको चरा लेते हैं। चरा लेते हैं मतलब उनके पशु उसको खा लेते हैं, वृक्ष को, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि जब वृक्ष हरा होता है तो व्यक्ति उसको अपने पशुओं से चरा लेता है, और जब वृक्ष ताप ही ताप लेता है, बरत माने सूख जाने पर, बरत माने सूख जाने पर, बर जाने पर, बर जाने का मतलब है सूख जाने पर, ठीक है ना। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वृक्ष हरा होता है तो व्यक्ति उसको अपने जानवरों से चरा लेता है, जैसे गाय भैंस बकरी से, ठीक है ना। और जब वृक्ष सूख जाता है तो उसको व्यक्ति ताप लेता है, ठीक है ना। तापना मतलब क्या होता है, जब ठंडी लगती है तो उसको जला करके उसमें हाथ पैर सेंकते हैं, ठीक है ना, उसी को तापना कहते हैं। और फरे पसार ही हाथ, और कहते हैं कि जब वृक्ष फल जाता है, यानी जब वृक्ष में फल लग जाते हैं, फरे मतलब फल जाता है, यानी जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो पसार ही मतलब फैलाते हैं हाथ को, ठीक है ना। तब मनुष्य उसके आगे अपने हाथ को फैलाते हैं, अर्थात हाथ फैला करके उसके फल को तोड़ लेते हैं। ये दुनिया कितनी मतलबी है, ठीक है ना, कि जब वो हरा होता है तो उसको चरा लेते हैं, जब वो सूख जाता है तो उसको ताप लेते हैं, और जब वही फर जाता है तो क्या करते हैं, उसके सामने हाथ फैला करके उसके फल को तोड़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ मीत सब, स्वार्थ मतलब स्वार्थ के लिए, यानी मतलब के लिए, मीत माने मित्र होते हैं, सब माने सभी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया इस दुनिया में स्वार्थ के लिए सभी मित्र होते हैं, सभी दोस्त होते हैं, दोस्त जितने भी होते हैं केवल अपने मतलब के लिए होते हैं। और परमारथ रघुनाथ, परमारथ मतलब दूसरों के हित के लिए कोई है तो कौन, रघुनाथ, यानी कि परमारथ यानी परोपकार के लिए कौन है, भगवान राम। रघुनाथ मतलब भगवान राम, केवल भगवान राम ही एक ऐसे हैं जो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक है ना। वरना इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मतलबी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वृक्ष का एग्जाम्पल लेकर के स्वार्थी दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है हरो चरही, दूसरी तरफ रघुनाथ। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को स्वार्थी बताया गया है, ठीक है ना। अब व्याख्या देख लो, तुलसीदास जी संसार को स्वार्थी बताते हुए कहते हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो मनुष्य इन्हें अपने पशुओं से चरा लेते हैं, और जब वृक्ष सूख जाते हैं तो मनुष्य इन्हें जलाकर ताप लेते हैं, साथ ही जब ये वृक्ष जब फलित हो जाते हैं तब मनुष्य अपने हाथ फैलाकर इन्हें तोड़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार इस संसार के प्रत्येक लोग स्वार्थ के लिए मित्र बनते हैं, केवल श्री रामचंद्र ही सब लोगों का उपकार करते हैं, ठीक है ना। बस इतना आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज रहेगी, रस शांत रहेगा, अलंकार अन्योक्ति रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी, गुण प्रसाद रहेगा। अलंकार अन्योक्ति रहेगा क्योंकि वृक्ष के माध्यम से दुनिया को स्वार्थी बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखिए अगला दोहा है, मान राखी बो मांगी वो पियसो नित नौ नेहू, तुलसी तीनू तब फबे जो चा तक मत लेहू। क्या कहते हैं, मान राखिबो, मान राखिबो मतलब मान रखना यानी सम्मान रखना, ठीक है ना, सम्मान रखना यानी इज्जत रखना। मांगिबो मतलब मांगना, और पियसों, पियसों मतलब प्रियतम से, ठीक है ना, पियसों मतलब प्रियतम से यानी जिससे आप प्रेम करते हैं, ठीक है ना। प्रियतम से नित माने प्रतिदिन, नव माने नवीन, नेहू मतलब प्रेम करना, ठीक है ना। कामा लगा लगा करके तीन चीजें हैं, पहला सम्मान करना या इज्जत रखना, मांगना, और अपने प्रियतम से रोजाना नए नए प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों तब फबें, तुलसीदास जी कहते हैं कि
कि ये तीनों चीज तब फबे माने अच्छी लगती हैं या सुशोभित तो होती हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीजें तब अच्छी लगती हैं, फबे का मतलब अच्छी लगती हैं, ये तीनों चीजें तब अच्छी लगती हैं जब चातक मत लेहु। जब माने जब, चातक यानी पपीहे के मत माने सिद्धांत का लेहु मतलब लिया जाए, यानी जब पपीहे के मत को यानी पपीहे के सिद्धांत को लिया जाए, अर्थात पपीहे के सिद्धांत को फॉलो किया जाए, पपीहे के सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। अब पपीहे का सिद्धांत क्या है, केवल इतना लिखने से व्याख्या पूरी नहीं होगी। पपीहे का सिद्धांत ये है कि भैया पपीहा हमेशा क्या करता है, मान रखता है, यानी कि हमेशा अपने स्वाति नक्षत्र का क्या करता है, सम्मान करता है और इंतजार करता है कि एक दिन स्वाति नक्षत्र आएगा और मुझे स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलेगी और मेरी प्यास मिट जाएगी। यानी वो स्वाति नक्षत्र का मान सम्मान रखता है और स्वाति नक्षत्र से ही मांगता है, जो मांगता है स्वाति नक्षत्र से ही मांगता है, ठीक है ना। मांगिबो मतलब मांगता है। और पियसो नित नवनेहु, पियसो मतलब प्रियतम से, यानी उसके प्रियतम कौन है, बादल, क्योंकि बादल ही तो स्वाति नक्षत्र की बूंदों को बरसाएंगे, है ना। तो करता क्या है कि यानी बादलों से वो नित माने प्रतिदिन रोजाना नए नए तरीके से प्रेम करता है, कभी पीयू पीयू बोलता है तो कभी कुछ भी बोलता है, यानी अन्य अन्य तरीकों से वो बादलों से प्रेम करता है। उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उसी तरीके से एक प्रेमी व्यक्ति को अपनी प्रेमिका के संग जो है उसी तरीके से प्रेम करना चाहिए जिस तरीके से पपीहा करता है स्वाति नक्षत्र से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दो तीन अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ क्या निकलेगा, भक्त और प्रभु का अर्थ निकलेगा कि भक्त को जो है अपने प्रभु का सम्मान रखना चाहिए और अपने प्रभु से ही मांगना चाहिए और अपने प्रभु से ही रोजाना नए नए तरीके से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भक्त और प्रभु के ऊपर भी फॉलो होता है। तो कैसे इसका अर्थ लिखेंगे, क्योंकि दो दो तीन तीन अर्थ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो किस तरीके से लिखना है देखो। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मान राखिबो, दूसरी तरफ मत लेहु। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने चातक से सीख लेने का प्रेरणा दिया है। चातक पपीहा को कहते हैं, ठीक है ना। व्याख्या देख लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और अपने प्रियतम से प्रतिदिन नए नए रूप में प्रेम करना, ये तीनों बातें तभी सुशोभित तो होती हैं जब चातक पक्षी के मत का अनुसरण किया जाए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चातक पक्षी अपने प्रियतम स्वाति नक्षत्र से ही मांगता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्रिय बादल से नित्य नए नए रूप में प्रेम को दर्शाता है और इस प्रकार वह अपने सम्मान की रक्षा भी करता है, उसी प्रकार एक सच्चे प्रेमी को अपनी प्रेमिका से करना चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज रस शांत, अन्योक्ति अलंकार रहेगा, ठीक है ना। शैली मुक्तक गुण प्रसाद। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखिए दोहा नंबर तीन है। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। देखो समझो, यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नहीं जाचत नहीं संग्रही, यहाँ पर भी पपीहे पक्षी की विशेषता को बताया गया है और पपीहे को स्वाभिमानी बताया गया है। क्या कहते हैं कि पपीहा एक पक्षी है, ऐसा पक्षी है जो नहीं जाचत, नहीं याचना करता है। जाचत मतलब याचना करना यानी मांगना, यानी पपीहा जो है कभी मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, संग्रही मतलब संचय करना या इकट्ठा करना, ठीक है ना। और ना ही वो संग्रहित करके रखता है, ना ही वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंदों को इकट्ठा करके रखता है, एक साल उसका इंतजार करता है, ठीक है ना। ना तो वो मांगता है और ना ही उसका संग्रह करके रखता है। शीश नाई नहीं ले, और कभी भी शीश झुका करके वो पानी को नहीं लेता, यानी जो स्वाति नक्षत्र में बूंदें बरसती हैं, पपीहा हमेशा उसको अपना मुँह उठा करके ही लेता है, ठीक है ना। यानी ऊपर की ओर वह मुँह फैला कर बैठ जाता है और जो बूंदें गिरती हैं वो उसी को क्या करता है, उसी से अपनी प्यास को बुझाता है। कभी भी जमीन या गड्ढों पर भरे हुए पानी से अपनी प्यास को नहीं बुझाता, ठीक है ना। तो वही चीज तुलसीदास जी कहते हैं कि पपीहा जो है ना तो कभी मांगता है और ना ही कभी संचय करता है और कभी भी सिर झुका करके नहीं लेता, यानी बहुत ज़्यादा वो स्वाभिमानी होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। कहते हैं कि ऐसे मानी माने अभिमानी या घमंडी, ठीक है ना। ऐसे अभिमानी मांगने ही माने भिखारी को, क्योंकि देखो भिखारी को कैसा होना चाहिए, वो झुक करके सबसे भीख मांगना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पपीहे में वो बात नहीं है, वो अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। वो घमंड पूर्वक मांगता है स्वाति नक्षत्र से। तो ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे अभिमानी भिखारी को बारिद बिन दे। भिखारी को मांगने ही मतलब भिखारी को माने कौन, बारिद माने बादल के बिना, बिन माने बिना, दे मतलब देगा, यानी ऐसे अभिमानी भिखारी को बादल के बिना कौन देगा, ठीक है ना। यानी बादल ही उसकी प्यास बुझा सकता है, अन्यथा कौन दे पाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया प्रभु को क्या करना चाहिए, जो भक्त होता है उसे प्रभु से ना तो कभी मांगना चाहिए और ना ही कभी प्रभु के द्वारा दी गई चीज़ों को ज़्यादा उससे संग्रहित करके रखना चाहिए।
क्योंकि प्रभु उसको हमेशा उसकी हर जरूरत को पूरा कर देंगे बिना कुछ मांगे। बारी तो यहाँ पर कहा गया है प्रभु को, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु जो हैं भक्त की इच्छा को बिना मांगे ही पूरी कर देंगे। इसलिए प्रभु को कुछ ज़्यादा कुछ करने, भक्त को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों की चिंता प्रभु को स्वयं होती है, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए इसलिए व्याख्या को देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं जांचा तो दूसरी तरफ लिखना है बिन देई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, इस दोहे में स्वाभिमानी चातक का वर्णन किया गया है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी अपने मुख से तो मांगता नहीं, यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी सिर झुका करके भी नहीं लेता है। ऐसे स्वाभिमानी चातक पक्षी को बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझ सकता है। यानी वो मौन तरीके से जिस तरीके से मांगता है, केवल बादल ही उसकी भावनाओं को समझ सकता है और उसे पूर्ण करता है। इसका दूसरा अर्थ है कि प्रभु राम के भक्तों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रभु की कृपा से उसे संपूर्ण संपदा प्राप्त हो जाती है। स्वाभिमानी भक्त को प्रभु के अलावा और कौन दे सकता है, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज अलंकार अन्योक्ति रस शांत छंद दोहा। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, छीर नीर विवरण समय बक उघरत ते काल। देखो कितना अच्छा दोहा है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण माने चरणों को यानी पैरों को, चोंच माने चोंच को, पक्षियों में चोंच होती है जिससे वो खाना खाते हैं, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। चरण माने पैरों को, चोंच को, और लोचन माने नेत्रों को, रंगो मतलब रंग लेने से, ठीक है ना, यानी कि चरणों को, पैरों को, चोंच को और आंखों को रंग लेने से। और चलो मराली चाल, मराली मतलब हंस की तरह, चलो माने चलने से चाल, यानी हंस वाली चाल चलने से, ठीक है ना, हंस वाली चाल चलने से क्या होता है, कभी भी बकुला हंस नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि चरणों को, चोंच को और नेत्रों को रंग लेने से तथा हंस वाली मराली माने हंस वाली चाल चलने से बगुला कभी भी हंस नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही छीर नीर विवरण समय बक उघरते ही काल। छीर माने दूध, नीर माने पानी, जैसे ही दूध और पानी को विवरण माने विवेचन करने के लिए यानी अलग अलग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही दूध और पानी को अलग अलग करने के लिए कहा जाता है, तो उस समय बक माने बकुला जो है, बगुला जो है, उघरत तही काल, उघरत माने भेद खुल जाती है, तही माने उसी काल माने समय, यानी जिस समय बगुला से कहा जाता है कि भाई दूध और पानी को अलग अलग कर दो, तो बगुला की भेद जो है उसी समय खुल जाती है, बगुला की पोल जो है उसी समय खुल जाती है। यानी कि किसी के गुणों को उतारने से आप गुणी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, आपको स्वयं से अपने अंदर गुण उत्पन्न करने होंगे, किसी की नकल करने से आपके अंदर नॉलेज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहते हैं, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है चरण चोंच, ठीक है ना, दूसरी तरफ लिखना है तेही काल, ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत, ये नीचे वाला नहीं लिखना, ठीक है ना, ये गलत हो गया था। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। व्याख्या, जिस तरह पैरों, चोंच और आंखों को रंगने से तथा हंस वाली मतवाली चाल चलने से भी बगुला हंस नहीं बन सकता, क्योंकि जब सच्चाई सामने लानी होती है तो जो असली हंस होता है वो दूध मिले पानी में दूध और पानी को अलग कर देता है और बगुले की पोल खुल जाती है। अर्थात कोई कितना भी नकली रूप धारण कर ले, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। किसी के गुणों की नकल करने से कोई गुणी नहीं हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज रस शांत छंद दोहा, शैली मुक्तक अलंकार अन्योक्ति। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। आपु आपु कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोई। देखो कितना अच्छा दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने अपने के लिए, ठीक है ना, आप कहाँ माने के लिए, ठीक है ना, अपने अपने के लिए सब भले होते हैं, यानी अपना अपना भला सब सोचते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अपने अपने के लिए सब भले होते हैं, इसका मतलब अपना अपना भला सब सोचते हैं। और अपने कहाँ कोई कोई, अपने कहाँ मतलब अपने का मतलब अपने रिश्तेदारों का, अपने संबंधियों का, अपने भाई बहनों का, ठीक है ना, यानी अपने का यानी अपने संबंधियों का कोई कोई, यानी अपने संबंधियों का भला सोचने वाला कोई कोई होता है। स्वयं स्वयं का, आप मतलब स्वयं स्वयं का भला करने के लिए तो सब भले होते हैं, स्वयं के लिए तो सब भले होते हैं, परंतु अपने रिश्तेदारों संबंधियों के लिए कोई कोई ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भला सोचते हैं, ठीक है ना।
तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कह मतलब सबके लिए जो भलो, यानी सबके लिए जो भला होता है, यानी जो सबके लिए अच्छा सोचता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है सुजन सराही सोई। सुजन माने सज्जनों के द्वारा, सराही मतलब सराहना की जाती है, सोई मतलब उसी की, ठीक है ना, जो सबका भला सोचता है। देखो स्वयं का भला तो सब सोचते हैं, लेकिन स्वयं के लोगों का, अपने संबंधियों का कोई कोई व्यक्ति ही भला सोचता है। तो परंतु तुलसीदास जी कहते हैं जो सबका भला सोचता है सज्जनों के द्वारा उसी की सराहना की जाती है, ठीक है ना। तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज भी आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है आप दूसरी तरफ सराही सोई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही संसार में सराहना होती है। व्याख्या देख लो अपने लिए तो सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने संबंधियों के भले के लिए तैयार रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी भलाई करता है उसकी ही सराहना सज्जनों के द्वारा की जाती है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास रस, शांत छंद दोहा शैली मुक्तक। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। समझना ग्रह माने घर, भेषज माने दवा, ठीक है ना। ग्रह माने घर, भेषज मतलब दवा या औषधि, जल माने पानी, पवन माने हवा, पट माने वस्त्र। यानी कि देखो घर हो चाहे दवा हो चाहे पानी हो चाहे हवा हो चाहे वस्त्र हो, पाई कुजोग, पाई मतलब पा करके, कुजोग मतलब बुरी संगति, कुजोग मतलब बुरी संगति, सुजोग माने अच्छी संगति, ठीक है ना। अब देखो दूसरी लाइन से कनेक्ट करो, चाहे घर हो चाहे दवा हो चाहे पानी हो चाहे हवा हो चाहे वस्त्र हो, पाई कुजोग यानी बुरी संगति को पा करके, होई कुवस्तु मतलब हो जाती है, कुवस्तु मतलब बुरी वस्तु। यानी कि अगर घर हो, हवा हो, पानी हो, जल हो, दवा हो, कुछ भी हो, अगर ये बुरी संगति में जाएंगे तो ये बुरे हो जाएंगे, बुरी वस्तु बन जाएंगे, ठीक है ना। होई कुवस्तु माने बुरी वस्तु बन जाएंगे, चाहे जितने भी शुद्ध हों, लेकिन अगर ये कुजोग करेंगे यानी बुरी संगति करेंगे तो ये बुरे हो जाएंगे, और अगर सुजोग करेंगे, सुजोग मतलब अच्छी संगति करेंगे, तो सुवस्तु हो जाएंगे जग माने संसार में, ठीक है ना। तो जग माने संसार में ये सुवस्तु माने अच्छी वस्तु हो जाएंगे, अगर घर हो, दवा हो, पानी हो, हवा हो, वायु हो, वस्त्र हो, ये सब अगर अच्छी संगति करेंगे तो इस संसार में ये सुवस्तु हो जाएंगे, अच्छे वस्तु हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। वहीं पर अगर कुजोग करेंगे यानी बुरी संगति करेंगे तो कुवस्तु हो जाएंगे यानी बुरी वस्तु हो जाएंगी। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि लखई सुलक्षण लोग, और ये गुण लखई माने देख पाते हैं, सुलक्षण माने अच्छे लक्षण वाले यानी अच्छे आचरण वाले लोग ही, और ये गुण केवल अच्छे आचरण वाले लोग ही समझ पाते हैं। लखई माने देख पाते हैं, समझ पाते हैं, यानी अच्छे आचरण वाले लोग ही ये चीज़ों को समझ पाते हैं, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, ठीक है ना। वो बुरी संगति करते ही रहते हैं, इसलिए हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत भारी होता है। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है ग्रह भेषज, दूसरी तरफ सुलक्षण लोग। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या देख लो, ग्रह औषधि, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगति मिलती है तो यह अच्छे हो जाते हैं, और बुरी संगति पाकर यह बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास रस, शांत छंद दोहा गुण प्रसाद। यानी लगभग काव्य सौंदर्य सभी में ही सेम है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। जो सुनी समुझी अनीति रत जागत रहे जो सोई, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुन करके समझ करके अनीतिरत मतलब बुरे कार्य कर रहा है, यानी अनीति में है, अनीतिरत मतलब अनीति में लगा हुआ है, बुरे कामों में लगा हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुन करके और समझ करके भी बुरे कामों को कर रहा है, यानी जैसे अगर आपको बताया जाए कि भाई नशा करने में आपके शरीर की बर्बादी है, लेकिन आप अगर इतना सुन करके और समझ करके भी नशा फिर से कर रहे हैं, यानी बुरे कार्य फिर भी कर रहे हैं, जागत रहे जो सोई, जागते हुए भी, जागत रहे मतलब जागते हुए भी, जो मतलब जो व्यक्ति सोई मतलब सोता रहता है,
यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जागते रहते हैं लेकिन सोने का नाटक करते हैं, ठीक है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब कुछ सुन करके और समझ करके भी बुरे कामों को करता है, जो जागते हुए भी सोते रहने के समान रहता है, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को उपदेशिबो मतलब उपदेश देना यानी सीख देना, शिक्षा देना, जगाइबो मतलब जगाना, जगाइबो मतलब जगाना यानी कि उनको अच्छे कामों में लगाना, ठीक है ना, उनके बुरे कामों से हटा करके उनको अच्छे कामों में लगाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये उचित न होई, ये अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कोई सुधार नहीं होता, आप फालतू चिल्लाते रहेंगे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो सब कुछ सुन करके और समझ करके भी बुरे कामों को कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को उपदेश देना और शिक्षा देना सबसे बेकार बात है, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है जो सुनी समुझी दूसरी तरफ ना होई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जानबूझकर कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना निरर्थक है। अब व्याख्या देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझ करके भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझ करके अनुचित कार्य करता है और जो जागते हुए भी सोता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज शैली मुक्तक रस शांत छंद दोहा अलंकार अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। बरसत हरसत लोग सब करसत लखे न कोई तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। समझना भाई, बहुत अच्छा अर्थ है। देखो देखो क्या कहते हैं कि बरसत मतलब बरसते हुए, हरसत माने प्रसन्न हो जाते हैं लोग सब, यानी बरसते हुए देखकर लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। बरसत हर्षत लोग सब यानी बरसते हुए देखकर, हर्षत माने प्रसन्न हो जाते हैं लोग सब, हर्षत माने हर्षित तो हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बरसते हुए देखकर सब लोग हर्षित तो हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु करसत लखे न कोई, करसत मतलब खींचते हुए, ठीक है ना, यानी पानी को खींचना। सूर्य क्या करता है, जब ज्यादा तपता है तो क्या करता है, पानी को ही तो वाष्प बना करके उड़ा ले जाता है। तो वही कहते हैं भैया कि जब सूर्य तप करके पानी को खींचता है, कर्षण करता है यानी खींचता है, तब लखे न कोई, तब कोई नहीं देखता। यानी जब सूर्य भगवान पानी को खींचते हैं तब कोई नहीं देखता, लेकिन जब वही पानी बरसता है तो सब लोग देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तुलसी प्रजा सुभागते हैं भूप बानु सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा, वो प्रजा सुभाग है, सुभाग मतलब अच्छी किस्मत वाली है, वो प्रजा अच्छी किस्मत वाली है, ते माने जिसका भूप माने राजा भानु सो होई, भानु मतलब सूर्य के समान, सो माने समान, होई मतलब होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो प्रजा बहुत सौभाग्यशाली है जिसका राजा सूर्य भगवान के समान होता है, क्योंकि सूर्य भगवान देखते हो आप कि जब पानी को खींचते हैं तो कोई नहीं जान पाता, लेकिन जब वही पानी बादलों से बरसता है तो उसी को देख करके लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राज्य में राजा को इस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार सूर्य होते हैं, क्योंकि राजा को लोगों से इस प्रकार कर लेना चाहिए कि लोगों को मालूम ना पड़े, ठीक है ना, यानी गुप्त रूप में कर लेना चाहिए, यानी इतना कर नहीं लेना चाहिए जिससे प्रजा को नुकसान हो, ठीक है ना, यानी बहुत कम कम कर लेकर के और उससे जो धनराशि इकट्ठा हो उसका लोगों के प्रति, लोगों के लिए ही कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे लोग प्रसन्न हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रजा को, ऐसे प्रजा बहुत सौभाग्यशाली होती है जिसको जिसको सूर्य भगवान के समान राजा मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है बरसत हर्षत, दूसरी तरफ सो होई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन किया है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तो उसे कोई नहीं देखता, परंतु वह सूर्य जब जल बरसाता है, ठीक है ना, सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसका थोड़ा सुधार कर लेना, आप लोग लिख लेना कि वही जल जब बादलों से बरसता है, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, वही जल जब बादलों से बरसता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्वक ढंग से कर ग्रहण कर लेने वाला और उस प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य सौभाग्य से ही मिलता है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज अलंकार अनुप्रास रस शांत छंद दोहा शैली मुक्तक गुण प्रसाद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखिए दोस्तों, नौवा दोहा क्या है, मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। समझना, देखो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री यानी राज्य में एक मंत्री होता है, ठीक है ना, जो राज्य की कमियों को राजा को बताता है, ठीक है ना, राज्य में जो चीज़ प्रजा को घटती है वो मंत्री ही बताता है राजा को। तो मंत्री गुरु यानी आपके जो गुरु जी हैं, ठीक है ना, अरु माने और वैद माने डॉक्टर, ठीक है ना, मंत्री गुरु और डॉक्टर जो माने यदि प्रिय बोलता है, प्रिय बोले मतलब प्रिय बोलता है यानी मीठी वाणी बोलता है, भय भय माने डर की वजह से, भय आस मतलब डर की वजह से, ठीक है ना।
तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मंत्री, गुरु और डॉक्टर भय की वजह से यानी डर की वजह से, किसी के दबाव की वजह से प्रिय बोलता है यानी मीठा बोलता है, तो राज्य धर्म, राज मतलब राज्य, धर्म और तन माने शरीर का, तीनी मतलब तीनों, कर माने का, होई बेग ही नाश, होई मतलब हो जाता है, बेग ही मतलब शीघ्र ही यानी जल्द ही, नाश माने नष्ट। यानी क्या कहते हैं कि मंत्री, गुरु और अगर डॉक्टर तीनों किसी के दबाव की वजह से मीठी वाणी बोलते हैं तो राज्य धर्म और शरीर तीनों का जल्द ही नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मंत्री को, गुरु को और डॉक्टर को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के दबाव की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रभाव देखिए किसके ऊपर पड़ेगा, राज्य के लोगों के ऊपर पड़ेगा, धर्म के ऊपर पड़ेगा और शरीर के ऊपर पड़ेगा, इसलिए कभी भी झूठ इनको नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोगों को करना क्या है, एक तरफ लिखना है मंत्री गुरु, दूसरी तरफ बेग ही नाश, संदर्भ पूर्वत लिख देना, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री को विनाश का कारण बताया गया है। व्याख्या देख लो, गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर एवं धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है, अर्थात हमें भय या लाभ की लालच में असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसका काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा अलंकार अनुप्रास है। चलिए चलते हैं लास्ट दोहे पर। तो देखिए दोस्तों, दसवां नंबर दोहा क्या है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी वर्षा के समय, पावस मतलब क्या होता है, बरसात के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के समय धरी मतलब धारण कर लेती है कोकिलन माने कोयले, मौन माने मौन यानी शांति। तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के समय कोयले जो है चुपचाप हो जाती हैं यानी मौन धारण कर लेती हैं। अब मौन धारण क्यों करती है, इसका आगे लाइन में देखिए, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन, क्योंकि वो सोचती हैं कि भैया अब तो दादुर मेढक जो हैं, दादुर माने मेढक बोली हैं मतलब बोलेंगे, क्योंकि बरसात में मेढक जो है देखते होंगे टर्र टर्र बोलते रहते हैं, तो वही कहते हैं कोकिलें इसी वजह से, कोयले जो है मौन धारण कर लेती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि भैया अब तो मेढक का सीजन आ गया और मेढक बोलेंगे हमें पूछी हैं कौन, हमें यानी कोयलों को पूछी हैं मतलब पूछेगा कौन, यानी कोयले सोचती हैं कि अब तो भैया मेढक की वाणी को सब लोग सुनेंगे, हमारी वाणी को कौन सुनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अगर कई लोग मूर्ख लोग ही बैठे हों, ठीक है ना, जहाँ पर अगर मूर्ख लोग ही बैठे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हों तो वहाँ पर विद्वान लोग को चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग अपनी ही बात को सामने लाएंगे, आपकी बात की कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर आपको विद्वान लोग जो है उन्हें चुपचाप ही रहना उचित है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है तुलसी पावस, दूसरी तरफ पूछी है कौन, संदर्भ पूर्वत प्रसंग, इस दोहे में कवि ने कोयलों और मेढकों के माध्यम से संदेश दिया है कि जहां गुणों की जरूरत ना हो वहां मौन रहना ही उचित है। व्याख्या देख लो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया क्योंकि उस समय तो मेढक ही चारों ओर बोलेंगे, उनकी टर टर में कोयलों को कौन सुनना चाहेगा। तात्पर्य यह है कि जहाँ मूर्ख लोग अपनी ही हाँक रहे हों वहाँ गुणवान का मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि वहाँ उसके गुणों का आदर नहीं हो सकता। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोहा, गुण प्रसाद अलंकार अन्योक्ति, और यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।